हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, रियलमी यूआई के अंदर आपको काफी बेहतरीन फीचर देखने के लिए मिल जाता है, वो है डॉक वॉल्ट का फीचर। तो क्या होता है ये डॉक वॉल्ट और क्यों ये आपको हमेशा अपने मोबाइल के अंदर एनेबल करके रखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से डॉक वॉल्ट आपके लिए काफी बेहतरीन फीचर होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि यार काफी अच्छे अच्छे रीजंस मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ और जिससे कि आपको पता चलेगा डॉक वॉल्ट आपके लिए काफी अहमियत रखता है, इसे आप हमेशा एनेबल करके रखेंगे। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। गाइस तो डॉक वॉल्ट का फीचर आपको सिंपली देखने के लिए मिल जाता है आपके आइकन्स के अंदर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, तो वेलकम टू डॉक वॉल्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विकली एक्सेस गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको आप स्टोर कर सकते हैं। देन गाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है मैनेज एंड मॉडिफाई योर डॉक्यूमेंट्स एनी वेयर एंड एनी टाइम, किसी भी टाइम आप इसे मैनेज कर सकते हैं और इसमें से डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। काफ़ी सारे यूजेस में आ जाता है, जैसे कि आप किसी चालान वगैरह हो गया या फिर कोई आपका ऐसा रिस्क आ गया कि आपको जल्दी से डॉक्यूमेंट को निकाल के देना है, तो आपका यहाँ पे स्टोर रहता है और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ इंस्टॉल रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। देन गाइज आपको अगला फीचर मिल जाता है यहाँ पे, योर डॉक्यूमेंट्स आर सिक्योर इनक्रिप्टेड एंड कैन बी सीन बाय यू, आप ही इन डॉक्यूमेंट्स को सीन कर पाएंगे और कोई इन्हें सीन नहीं कर पाएगा और काफ़ी बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ इन्हें रखा जाता है। और यहाँ पे आपको डिजिटल सिग्नेचर का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गेट माई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और एड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर फोन। तो अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऐड नहीं किया है तो आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी जो आप डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए फीचर भी देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं आप सेट डॉक वॉल्ट पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी, कोई भी आप जो पासवर्ड अपना रखना चाहें उसे आप से बना सकते हैं, 6 नंबर का ये पासवर्ड होगा और आपको कन्फर्म भी करना होगा। देन गाइज आपको यहाँ पे अगर आपका फिंगरप्रिंट भी यूज़ करते हो आप, तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट की आईडी भी देनी होगी, तो आप इसका डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए। देन आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए फोटोज़ वगैरह को जो कि आपके अपने देने यहाँ पे, और रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईजिली डाउनलोड गवर्नमेंट इशूड एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, लिंक योर डिजी लॉकर अकाउंट विद योर आधार टू गेट स्टार्टेड, आप आधार कार्ड से अपने यहाँ पर डिजी लॉकर अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के बाद आपका यहाँ पर डिजी लॉकर साथ में डॉक वॉल्ट दोनों मिलके एक साथ स्मूथली वर्क करेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है क्रिएट कैटेगरी, आप यहाँ पे कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको लाइसेंस वगैरह रखने हैं या फिर अपने पढ़ने वाले डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगरी को भी डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप गॉट इट पे क्लिक करिए, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैटेगराइज देखने के लिए मिल जाता है, आप यहाँ पे आधार कार्ड को रख सकते हैं, यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस को रख सकते हैं, पैन कार्ड वेरिफिकेशन को रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स को, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं और भी आप बना सकते हैं जो आपके जो आपको डॉक्यूमेंट की जो नीड है उसके हिसाब से। देन गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है प्लस का, तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, जिस पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप कोई भी डॉक्यूमेंट इसके सामने लाएंगे तो आप स्कैन भी करके यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हैं, तो आपको स्कैनर भी देखने के लिए मिल जाता है। देन गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन और भी देखने के लिए मिल जाते हैं, आप अपने पिक्चर्स को यहाँ पे डायरेक्टली लेके आ सकते हैं, देन आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे जब आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एक तो सेटिंग्स का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट को यूज़ करना चाह रहे हैं अनलॉक करने के लिए डॉक वॉल्ट को या नहीं, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन गाइस जब आप यहाँ से बैक जाएंगे तो बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं अपने डिजी लॉकर को, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए या फिर आधार नंबर डाल दीजिए या फिर यूज़र नेम डाल दीजिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर पाएंगे और यहाँ पे आप साइन इन कर दीजिए, ओटीपी को डालिए, आप आपका डिजी लॉकर डायरेक्टली लिंक हो जाएगा डॉक वॉल्ट के साथ में। देन डोंट हैव, अगर आपका डिजिटल अकाउंट नहीं है जो कि डिजी लॉकर पे होना चाहिए तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली साइन अप भी कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप के लिए आपका आधार नंबर ये मांग रहा है, देन आप यहाँ पे साइन अप कर पाएंगे। तो गाइज काफ़ी सिक्योर फीचर है जो कि रियलमी की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है डॉक वॉल्ट का। तो गाइज इस फीचर को अनेबल करने के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है, अनेबल करना है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया होगा। गाइज तो 5 रीजंस मैंने आपको डॉक वॉल्ट के बता दिए क्यों आपको डॉक वॉल्ट अनेबल करके रखना चाहिए रियलमी के किसी भी डिवाइस के अंदर।
क्योंकि यार काफी अच्छा फीचर है ये डॉक वॉल्ट का जो कि रियलमी ने आपको ऑफिशियली प्रोवाइड किया है, तो इसका आप जरूर से फायदा उठाइए क्योंकि आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफी सेफ रहते हैं और ये बिना सिक्योरिटी के आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।